अगर सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो कुछ स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ ऐसा चीज जो आपको आता है जो औरों को नहीं आता। अगर हम लोग बिल्डिंग लाइन की बात करें, आजकल चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है और उसके साथ ही चारों तरफ ब्रिजेस भी बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो कि RCC ब्रिज डिजाइन कितने इंजीनियर को आता है, मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही कम इंजीनियर है जिनको एक प्रॉपर नॉलेज है। अगर आप एक ब्रिज का सेक्शन दे दो किसी को रीड करने के लिए, वो रीड नहीं कर पाएगा। एक ब्रिज का अगर बोल दो कि उसका BBS करके दिखाओ, रेट एनालिसिस करके दिखाओ, तो वो कर नहीं पाएगा। एक BAQ बनाने के लिए बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। कंपैरेटिवली ब्रिज का जो वर्किंग ये होता है वो थोड़ा हटके होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता एक बिल्डिंग के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पे जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर किसी को आता है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। और एक सिविल इंजीनियर का काम ही क्या है, एग्जीक्यूशन शिप करवाना एक इंजीनियर का काम नहीं होता, वो तो एक सुपरवाइजर भी करवा पाएगा अगर वो ट्रेंड हो जाए तो। लेकिन किसी ब्रिज का ड्रॉइंग का अगर आप स्टडी करते हो, उसका BBS करते हो, उसका रेट एनालिसिस करते हो, उसके BOQ को बनाते हो, ये सब एक इंजीनियर का काम होता है और ये सबको नहीं आता। तो ब्रिज बहुत माइनर रोल प्ले करता है और इसका डिजाइन भी बहुत बड़ा पार्ट है। यही सब चीज जो है आपको एक अलग बनाती है। तो अगर ये सब नहीं आता है तो आगे के टाइम में आपको सस्टेन करना पे बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सॉलिड एजुकेशन की, जो आपको RCC ब्रिज डिजाइन का प्रैक्टिकल नॉलेज देने जा रहा है। वो नॉलेज जो अगर आप साइट पे जाते हो, काम करवाते हो, तो उस वक्त जो काम आने वाला है वही सब चीज यहाँ पे कवर किया गया है। चाहे आपका आई गर्डर सेक्शन हो, चाहे आपका एबटमेंट हो, चाहे वो अंडरपास हो या कोई सॉलिड स्लैब हो ब्रिज का, ये सारे चीज इस पार्ट में कवर किए गए हैं और पूरे डिटेल में कवर किए गए हैं। अगर इस कोर्स को आप यहाँ से करते हो तो आप डिजाइन के साथ साथ ये सारे प्रैक्टिकल स्किल यहाँ से सीख सकते हो, जो कि 100% नहीं 200% आपको साइट पे यूज करवाया जाता है। वही सब चीज यहाँ पे आपको कवर किए गए हैं। तो अभी मैं आपको पूरे कोर्स का कंटेंट बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज कवर किया गया है। आप कोर्स कंटेंट को पहले चेक करो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको स्पेशली यहाँ पे रिकमेंड जरूर करूंगा कि ये कोर्स आप करो, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे जो योजना आ रही है नए नए, उसमें इस सब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर ये सब स्किल आपको आती है तो आपको थोड़ा अलग प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग कोर्स कंटेंट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस RCC ब्रिज डिजाइन में आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले DSR यानी कि डेली शेड्यूल ऑफ रेट, ये चीज यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया है। वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, मैन पावर का, उसके साथ ही यहाँ पे जो हायर चार्जेस है मशीनरी के, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के, उनके ऊपर डिस्कशन पूरा किया गया है। कैरी चार्जेस हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, इस सभी चीज का यहां पे जो डेली शेड्यूल रेट के हिसाब से जो रेट है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन यहां पे किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हायर पोस्ट पे जाने के लिए ये सब चीज का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद सॉलिड स्लैब पे यहां पे BOQ कैसे बनाते हैं, BBS करना, BOQ ऑफ रेनफोर्समेंट, BOQ ऑफ कॉन्क्रीट कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब चीज भी यहां पे कवर किया गया है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे वेहिकुलर अंडरपास का, जिसका BOQ, BBS, रेट एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस, ये सभी चीज वेहिकुलर अंडरपास के भी और साथ में अबटमेंट के भी, ये दोनों पार्ट भी यहाँ पे डिटेल में कवर किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डेक स्लैब और गर्डर। आई सेक्शन जो गर्डर होती है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल जो भी सेक्शन यूज हो रही है वो आई गर्डर सेक्शन ही यूज होती है। तो इसका भी आपको BBS बनाना, BOQ करना, इसके BOQ को कैसे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, रेट एनालिसिस को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब चीज भी यहाँ पे कवर किया गया है। और साथ में पायर कैप, ठीक है, पायर का भी यहाँ पे आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इसके ऊपर ही बेस्ड होके बनती है। तो BOQ, BBS, रेनफोर्समेंट का जो BOQ होता है वो, रेट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ये सभी चीज़ यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये सारे पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मेरी बात मानो तो। और इसी के साथ अगर आप यहाँ से इस कोर्स को करते हो तो कुछ कोर्स फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है, कोर्स कंप्लीट होने पे आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, प्रैक्टिकल मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, प्लस डाटा और PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ से कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हो, आपको यहाँ पे
ये जो आप सैंपल सर्टिफिकेट देख रहे हो ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि इतना सारा चीज सिखाया जा रहा है तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा? जी नहीं, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन ये लॉन्चिंग प्राइस में आपको दे रहा है जस्ट एट 1999 रुपीज में, दो दिन के लिए ऑफर वैलिड है, दो दिन के लिए, जिसमें आपको 80% तक का ऑफ मिल जाता है 1999 में। और इस कोर्स को लेने के लिए आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, सॉलिट्यूड एजुकेशन टाइप करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके साइन अप कर लो, वहां पे जैसे ओपन करोगे आपको ये बैनर दिख जाएगा, आप यहां से इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। और एक चीज, आप यहां पे आरसीसी ब्रिज डिजाइन का भी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप डिजाइन सीखेंगे पूरी तरीके से, और साथ में ये मैनुअली भी सीखोगे, और साथ में आप स्टैट प्रो में भी करना सीखोगे, दोनों ही सीखोगे। इसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1999, और आरसीसी ब्रिज डिजाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि मैं अभी आपको बताया, वो भी अगर आप करोगे तो 1999 उसके लिए भी पढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप ये दोनों कॉम्बो पैक ले लेते हो एक साथ, तो आपका ये पढ़ने वाला है 2999 में, 1000 आप यहाँ पे सेव कर सकते हो कॉम्बो पैक को लेके। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्ले स्टोर पे आई स्टोर का जो ऑफिशियल लिंक है वो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा इस कोर्स को, क्योंकि बहुत अच्छा चीज है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, तो आप लोग को ये चीज सीखना चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।